बीना में हुए व्यापारी के बेटे के सनसनीखेज मामले में एसपी रेल ने खुलासा किया है, जिसमें युवक ने क्रिकेट सट्टा की देनदारी के चलते अपहरण की कहानी गढ़ी थी। जीआरपी ने मामले का खुलासा करते हुए युवक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मूलचंद आदिवासी निवासी ग्राम सानोटा का मजदूरी करने गया था। 3 बजे करीब उसको उसकी बड़ी मंझली बच्ची ने सूचना दी कि पापा, छोटी बहन रश्मि उम्र करीब 14 साल की, उसने फांसी लगा ली। तो जब उसने आकर देखा तो फिर रिपोर्ट करने आया। उसकी ये कक्षा 8 में पढ़ती थी रश्मि, और ये मंझली उसकी बड़ी बहन जो लोटा लेकर गई थी, लौट कर आकर देखा तो ये अपने कच्चे मकान में लकड़ी मेयार पर उसे फांसी रस्सी से फांसी पर लगा के उसने आत्महत्या कर ली थी। क्या लगता है उसमें कोई, ये इसकी माँ कटाई करने गई थी। अब ये अभी मर्ग कायम किया है, वो जांच में है, और पोस्टमार्टम भी पीएम डॉक्टर की पीएम द्वारा उसमें द्वारा कराया जा रहा है, बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है, पैनल द्वारा कराया जा रहा है। जैसा जांच में होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। सागर से ईएमएस टीवी के लिए नीरज वैद्य राज की रिपोर्ट।